अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ससुर हमरे नाम पर हमरे खानदान पर कलंक हो। बाबा सो जाना, तुम जबान पैदा हुई थी ना, तबान मर जाना चाहिए था। इंसान नहीं, शैतान है आप। खबरदार बाबू साहब, खबरदार। अगर आपने हमारी बिटिया को कुछ किया ना, तो अच्छा नहीं होगा। हम कह रहे हैं, आज तुम अपना सारे हदें पार कर दे कुमत। वो किन्नर का वजह से हम पर हाथ उठाए, हम पति पर 21 साल तक आप हमारा असली शैतान वाला चेहरा देखी नहीं थी, लेकिन अब आपको हम शैतान वाला चेहरा दिखाएंगे। आज आपका बेटी का लाश लेकर आएंगे। अब देखिएगा आप हमारा शैतान वाला चेहरा देखिएगा कुमुद। नहीं, नहीं। अपना बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक का मुखिया का भाई साहब का नहीं छोड़ेंगे आपको। एयर पंख से लेके चलो जरा इनको अंदर। आप भाई लोग तो नीचे हटो से ब्याह लेके चलो इनको। बोलो छोड़ो, ना बोलो, सुनो सुनो। आप सब रुके भैया, हम आपके साथ चलेंगे भैया। तुम कुछ नहीं करोगे परवेश, ये हमारा पाप है, हमारे हाथों ही मिटेगा भैया। तुम यहाँ रहो। सुनैना कोनो साधारण लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। नहीं, तेरी सच्चाई हो रे, अपना मुझे। बात बताना मेरे, आई हेट यू, आई हेट यू, यू ब्लडी लायर। कौनों को डसवाने लाई थी सांप घर में? एक किन्नर को डसवाने के लिए। छाती पे कुंडली मारी और बैठी हुई जहर फूंक रही है किन्नर। एक किन्नर एक घर में नहीं रह सकती। तुम फसल जब पैदा हुई थी ना,
तबाही तुमको मर जाना चाहिए था। जरा सा भी शर्म हो तो खुद को मार लेना, डुबो देना अपने आप को, जहर खा लेना या गोली मार देना, लेकिन मर जाना। इसी जमीन पर आपका नाम गड़बड़ाएंगे हम। बड़ी माँ, तुम्हारी जो बड़ी माँ है ना, इसी लायक है। अभी तो सिर्फ नाम गड़बड़ा रहे हैं हम, लेकिन ठिकाना से निकलने का कोशिश की ना तो हड्डी तोड़ के बेड रेस्ट करवा देंगे हम। ये प्लीज उठा लो। मृदुला बताओ सबको कि तुमने मुझे क्यों मारा। बोलो मृदुला, स्वीकार करो, बोलो। सच सुना है तुम्हें? मैं सुनाती हूँ सच। हाँ, मैंने तुम्हारा कत्ल किया है, मैंने मारा है अनमोल को। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। लबराई तो मुंह तोड़ देगी तुम्हारा। अरे तुम पिज्जा नहीं हो, भी सपोली हो, सपोली। हे, निकलो यहां से। हमने कहा जाओ यहां से। Trying to call is currently switched off.
इतनी रात में फोन क्यों कर रही है? और ये इतना घबरा के सुहैना का नाम क्यों ले रही थी? मुझे क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे सुनैना ठीक नहीं है? घर जाके होली मनाओ, सड़क तुम्हारे बाप का आएगा।
कहीं छुप गई है चुईया, जानती नहीं है हमको। जब तक ही ससुरी निकलेगी नहीं, सेंध मार के बैठेंगे यहाँ। आज इको मार के ही जाएंगे वापस। मम्मी, बड़े पापा अभी तक आए नहीं। अरे तुम टेंशन काहे ले रही हो पंकजा? अरे तुम बाबू साहब का गुस्सा देख ही नहीं होगा। अरे आज तो किन्नर का काम तमाम करके ही लौटेंगे। अरे यार पंकू, अरे कुमुद सिंह को इतना जोर से पटकी है ना, यमी पूरी खोपड़िया भन्ना रही है। हम तुमको कह रहे हैं कि अब ना कुमुद सिंह को नीचा दिखा के उसको उसको जमीन पे उसका नाक रगड़वा के ना कुछ नहीं मिलने वाला। हमको तो चैन तब ही मिलेगा जब हम उसका जान ले लेंगे। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े पापा गए हैं ना, इनकी लाडली बेटी का काम तमाम करके आएंगे, उसके बाद तो ये खुद ही अपनी जान ले लेंगे। अब आपको रखने की जरूरत है पेशेंस। अरे मम्मी, चाहे जिसके हाथ तो पूरा, सपना तो हमारा पूरा होगा ना। अब चलिए इसी खुशी में कुछ मीठा खा के सेलिब्रेट करते हैं। अरे पंकू, ये का मतलब है कि कुमुद सिंह का गद्दिया भामरा होने वाला है। तेल तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तुम खीर खाओगी? हाँ, लेकिन गुड़ वाली। ओके। चलो जल्दी। भैया ये कहा, आपके चेहरे पर रंग कौन लगा दिया? किसमें इतना हिम्मत? आप ठीक तो हैं भैया? होली का माहौल है परवेश, सब बोरा रखे हैं, एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, लग गया। खैर उस सुनैना एक बार फिर हमारा हाथों से बच गई। भगवा गाने वालों की टोली आ गई और चूहिया की तरह निकल गई। मनहूस मिली है नहीं। भाई आप चिंता मत कीजिए, हम आपको वचन देते हैं, हमारे हाथ से इस बार उसका काम तमाम करेंगे। और परवेश, सांप काटा था तुमको, जैसन तैसन बचे हो, दूसरा जिंदगी मिला है। आराम करो, हम निपटा देंगे होगा। भाई साहब, अरे हमको तो बहुत ही उम्मीद था आपसे। हम तो इंतजार में थे कि जैसा आप बोले थे वो किन्नर का लाश लेकर ही लौटेंगे, पर आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए। आप टेंशन मत लीजिए, हम ना अपना काम कर लिए हैं। हम कुमुद दीदी का हाथ पांव बांध के उनको तहखाना में बंद कर दिए हैं। उना दोरे दोरे वो सुनैना के पीछे उनको बचाने के लिए नहीं ना जाएगी। बोला काई जी, कुमुद रुकी रुकी सुनो काकी, आज हम उनको नहीं मार पाए, आज फिर हमारे हाथों से बच गई, बच के निकल गई। लेकिन कब तक बचेगी? आज नहीं तो कल हम उनका मार ही डालेंगे। और आप एक तस्वीर पे हार डला हुआ देखने का आदत डाल लीजिए आप। बस, बस।
हमको ना आज अपने ऊपर घिन आ रही। घिन आ रही है कि हमने आप जैसे हैवान के साथ प्रेम किया। ये जो लाल काला रंग आपके चेहरे पे पुता है ना, ये आपका असली रंग है। असली रंग, जहरीला, जहरीला रंग। कौन बाप अपनी जिंदा बेटी की तस्वीर के ऊपर हार चढ़ाता है? कौन बाप? वो भी उसकी माँ के सामने। भी हमारी नजरों के सामने से चले जाइए, वरना हम कह रहे हैं कि माँ का शराब आज आपको खा जाएगा। हमको आपका शराब या आपका ये नरक का बातों से कोनो फर्क नहीं पड़ता। कुमार, अगर नरक में जाएगी तो आपकी बेटी जाएगी, या तो इसको कोनो मार डालेगा या कोनो किन्नर उठा के ले जाएगा। जॉन कुछ भी होगा, इका तस्वीर पे माला टंगा हुआ देखने का आदत डाल लीजिए। आप खुद आई इका तस्वीर पे माला डालेंगे। और हाँ, एको बात और, जब तक हम इको मार नहीं डालते तब तक बाहर शोक मातम मनाने से बेहतर है आप यहां रहें। चली गई तो सुने ना, देवी मैया को मन अर्थ ना हो जाए हमारी बिटिया के साथ। कहाँ चली गई, कहाँ होगी इस वक्त, इसे पता चले। देकर के हमको बस सुनैना को ढूंढने बस।